नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर से। हिमाचल की मंडी सीट पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। कंगना के सामने विक्रमादित्य सिंह का लड़ना तय हो गया है। 13 अप्रैल CEC बैठक में इस नाम पर मोहर संभव है। पार्टी के सर्वे में मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम सामने आया है। हिमाचल में PWD मंत्री और प्रतिभा के बेटे हैं और उनको इसलिए उम्मीदवार कंगना रनौत के सामने बनाया जा रहा है। दरअसल इस बात की अटकलें काफी समय से चल रही थी कि आखिर कौन सा वो कद्दावर लीडर हो सकता है जो कंगना रनौत के सामने एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर सकता है। तो ऐसे में विक्रमादित्य के नाम पर मोहर लगी है। कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री विक्रमादित्य को लेकर यह बड़ी जानकारी आ रही है कि 13 तारीख को इस बात का ऐलान होगा, लेकिन लगभग यह तय हो चुका है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे जिनके नाम पर यह मोहर लगी है, कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य सिंह, मंडी में यह मुकाबला तय हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस के सूत्रों से जानकारी कंफर्म होती हुई दिख रही है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार, फिलहाल क्या डिटेल्स आ रही है? लगभग इस बात की अटकलें काफी दिन से चल रही थी कि कौन कंगना के खिलाफ, अब विक्रमादित्य का नाम लगभग फाइनल। जी बिल्कुल, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने आपको अपने दर्शकों को बताया था होली के दिन कि प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वो या उनका परिवार कंगना के सामने मंडी से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन एक बार वो आलाकमान से बात करना चाहता है, यानी जो उनकी खटपट रही है परिवार की मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसके बारे में बातचीत करने के बाद ही वो एक कदम आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से बात की। दो ही नाम वहाँ से सामने आए, एक प्रतिभा सिंह का जो वहाँ से सिटिंग MP हैं और दूसरा उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह का। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया, उस सर्वे में यह माना गया कि युवा वर्ग जो है उसको विक्रमादित्य ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे और प्रतिभा सिंह बीच में कह चुकी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, ऐसे में बेहतर होगा कि विक्रमादित्य को चुनाव लड़ाया जाए, जिसके बाद यह सहमति बनी है कि विक्रमादित्य कंगना रनौत के सामने लड़ेंगे। पुराना राज परिवार है ये हिमाचल प्रदेश का। वीरभद्र सिंह जो कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं फिलहाल हिमाचल सरकार में। अब 13 तारीख को कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें खड़गे और सोनिया मौजूद रहेंगे, उसमें विक्रमादित्य के नाम पर मुहर लग जाएगी, ऐसा सूत्र दावा कर रहा है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और साथ ही ये खबर लगभग तय है कि अब विक्रमादित्य ही होंगे कंगना रनौत के खिलाफ मंडी में कांग्रेस के प्रत्याशी। क्या कहा है विक्रमादित्य ने, आइए वो सुनवा देते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है और व्यक्ति विशेष जो है वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, शी इज़ अ सेलिब्रिटी एंड आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर हर। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मैंने पहले भी कहा हमारी बड़ी बहन है और उनका व्यक्तिगत रूप से भी हम सम्मान करेंगे, और अगर कोई ऐसी कोई टिप्पणी चुनावों के दौर में आती है तो मैं उनका आज भी उनका मैं जो है इस विषय में समर्थन करूँगा और उन लोगों का विरोध करूँगा, ये मैं आपको बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ। मगर जहाँ तक मुद्दे हैं, ये चुनाव मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि ये मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा, इश्यूज के ऊपर लड़ा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी की लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाली है। विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत को टक्कर देंगे, ये लगभग तय हो गया है।